सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब लोग? स्वागत है आपका सक्सेस स्किल्स रक्षा ऑनलाइन एकेडमी में। मेरा नाम आनंद मिश्रा है और अभी तक हम एथिक्स की लगभग तीन टॉपिक्स तीन यूनिट्स खत्म कर चुके हैं और आज ये लगभग आपकी चौथी यूनिट होगी जिसको मैं फिनिश करूंगा मनोवृत्ति के रूप में। और ये जो मनोवृत्ति का आपका टॉपिक है, इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि आखिर मनोवृत्ति किसको बोलते हैं। आज हम बताएंगे उसका विकास कैसे होता है, क्या क्या उसके पक्ष है और किस तरीके से इसके आपके जीवन में फर्क पड़ता है, कैसे इसका आपके जीवन के ऊपर असर पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं मनोवृत्ति से। सबसे पहले कल अगर आपको याद होगा तो कल मैंने आपसे कहा था कि मनोवृत्ति का जो विकास होता है वो दो तरीकों से होता है। पहला आपका होता है जन्मजात, जो 3 से 5% होता है, और दूसरा आपका होता है पारिवारिक एवं व्यक्तिगत कारकों के कारण। पारिवारिक न करके उसको सामाजिक कारक बोल दे तो ज्यादा बेटर होगा। सामाजिक और व्यक्तिगत कारकों के कारण आपकी मनोवृत्ति का विकास होता है। अब ये जो होता है आपका व्यक्तिगत और सामाजिक कारण, ये 95-97% मनोवृत्ति आपकी इन्हीं माध्यमों से बनती है। इसमें कौन कौन आता है? आपका परिवार, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपकी किताबें जो आप पढ़ते हो, आपके आपस का समाज, आपका जाति, आपके धर्म, ये सब जो है इनके आधार पर आपकी मनोवृत्ति निर्माण होता है, जो 95-97% रहता है। अब इनकी विशेषताएं क्या होती है, किस तरीके से डेवलप होता है, इसके लिए मैंने पीछे एक चार्ट बनाया हुआ है जिसको मैं आपको धीरे से एक्सप्लेन करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा आसान भाषा में कि क्या इसका आखिर इम्पैक्ट होता है। देखिए, अगर देखा जाए जन्मजात जो है उसमें मैंने एक पॉइंट यहां पर लिखा है, जिन लोगों को बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा है वो इस तरीके से एक चार्ट बना ले, मनोवृत्ति का विकास एक तरफ जन्मजात लिखें, दूसरी तरफ व्यक्तिगत एवं सामाजिक कारकों द्वारा लिखें। और जन्मजात आपका 3 से 5% होता है और सामाजिक कारकों द्वारा आपका होता है 95-97% तक आपका होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे जन्मजात में। तो जन्मजात में आपका होता है आंतरिक प्रेरणाओं द्वारा। देखिए, अगर यहां पर मैं एग्जांपल दूं तो जो गोरखा होते हैं वो सबसे अच्छे सैनिक माने जाते हैं। क्यों गोरखा को हम सबसे अच्छा सैनिक मानते हैं? हम लोग भी तो वैसे बन सकते हैं, नहीं हो पाते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, जन्मजात कंडीशन होती है। पहली बात तो उनकी जो जीन्स जो होते हैं, जो डेवलप होते हैं, उनके माता पिता के थ्रू उनके पास में आते हैं, वो ऑलरेडी पहाड़ पे रहने के लिए तैयार होते हैं, जीव जंतुओं से कोई प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर जुझारूपन होता है अपने जीवन में, क्योंकि आसान जिंदगी उनको जीने के लिए नहीं मिलती है। तो कहीं ना कहीं उन जन्मजात लक्षणों के कारण उनके अंदर बहादुरी और आपका पराक्रम, ये दोनों उनके अंदर आ जाता है। और अगर आसान शब्दों में समझाऊं, जैसे मैंने आपको कभी बताया था, हो सकता है आपके माता या पिता में से किसी को कोई एक वस्तु या कोई चीज पसंद हो, कोई एक बात पसंद हो, सेम वही चीज आपको पसंद होती है, चाहे वो खाने में बैगन का भरता हो, लौकी की सब्जी हो, कुछ भी हो, जो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को भी पसंद नहीं होती है तो आपको पसंद नहीं होती है, उनको पसंद होती है तो आपको पसंद होती है। इसी तरीके से आपकी विचारधारा भी होती है। अगर आपके पेरेंट्स की विचारधारा बहुत ओपन है, बहुत सही है, समाज को ले जाने वाली, साथ में लेने वाली है, तो वो विचारधारा भी आपके अंदर कहीं ना कहीं जेनेटिक होती है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट दिया गया है, ये अधिक स्थायी होती है। बिल्कुल, अगर इसको हम बायोलॉजी से जोड़कर देखें तो जो विचारधारा या जो सोच, आखिर आपने देखा होगा आजकल सरोगेसी मदर होती हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी तो आपका सेम पेरेंट्स, सरोगेसी मदर में होता है कि मदर कोई होती है और उसमें जो जीन्स होते हैं वो किसी और को होते हैं। आखिर जीन्स को इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है? क्योंकि उसी के आधार पर उनके शरीर की रूपरेखा का संरचना होती है, उसी के आधार पर उनकी मानसिकता की सोच बनती है, उसी के आधार पर उनका आईक्यू लेवल भी बनता है जीन्स के आधार पर। तो कहा जाए जो आंतरिक तरीके से जो आपका जन्मजात जो आपकी प्रवृत्तियां होंगी या जो आपकी मनोवृत्ति होगी वो मुख्यतः स्थायी होगी और अधिक स्थायी होगी। इसमें तीसरा पॉइंट जो मैंने दिया है, यहां पे व्यवहारात्मक पक्ष अधिक स्थायी होता है। व्यवहारात्मक पक्ष से मेरा मतलब है कि ये जो भी आदतें आपकी, आपको आपके माता पिता से मिली हैं या आपके वंश से आपके अंदर आई हैं, ये आपके व्यवहार में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होंगी। एक परिवार के लोग होते हैं जो बोलते बहुत हैं, तो उन लोगों में बोलने वाली प्रवृत्ति सारे बच्चों में वो आती है। एक परिवार के लोग होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, जो कम बोलते हैं, सोच में चलते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये जो चीजें हैं आपकी मनोवृत्ति अंदर तो होगी होगी, साथ में आपके व्यवहार में भी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप किस तरीके से खुद को मोटिवेट करते हैं, क्या करते हैं, आप डरने वाले हैं या निडर हैं, रिस्क लेने वाले हैं या नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं आपकी किताबों से पहले आपका परिवार का जो बैकग्राउंड रहा होगा वैसे होता है। एक बुंदेलखंड में एक लाइन है जिसको कहा जाता है, जैसी जिसकी नदियां नाले वैसे उसके कूप। ऐसा है कि जिस तरीके से नदियां होंगी उसी तरीके से उनके छोटे छोटे जो किनारे बनते हैं, छोटे छोटे कुओं में जो पानी जाता है उसके बाद, वो वैसा ही उनके अंदर प्रभाव होता है। तो यहां पर हमने देखा जन्मजात 3 से 5% आंतरिक प्रेरणाओं द्वारा होती है, जेनेटिक होती है। ठीक है, अधिक स्थायी होती है क्योंकि ये आपके अंदर है, आपके बायोलॉजिकली आपको ये प्राप्त हुई है अपने माता पिता से। और तीसरा है आपका व्यवहारात्मक पक्ष में अधिक होता है, जो भी मनोवृत्ति आपको प्राप्त हुई है उसका व्यवहारात्मक रूप से आप उपयोग अधिकतर करोगे। अगर गुस्सा आता है तो गुस्सा वो दिखाई देगा।
ऐसे नहीं होगा कि कुछ चीज छुपा ले जाओगे, या बाहर आपको दिख जाती है, जो भी मनोवृत्ति है वो दिख जाती है, प्रेजेंटेबल होती है, ठीक है। दूसरा है जो आपका व्यक्तिगत एवं सामाजिक कारकों द्वारा जो मैक्सिमम आपकी मनोवृत्ति बनती है, परिवर्तित होती है, वो ये वाली होती है। बनना और परिवर्तन इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है, जैसे जैसे आप लोगों से अलग अलग लोग ये बनेगी भी और परिवर्तित भी होगी। लेकिन अगर मैं जन्मजात की बात करूं तो जन्मजात वाली में परिवर्तन होने की संभावना बहुत कम और बहुत रेयर होती है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर अक्सर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है, और आर्मी वाले आर्मी में जाते हैं। ये बहुत सारी चीजें, बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, बट बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि वो गुण अंदर रहते हैं और स्थायी रहते हैं। इसके बाद आपका है सामाजिक, व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों द्वारा सोशल और इंडिविजुअल फैक्टर जो आपके होते हैं उनसे कैसे आपका बनता है। सी इट वुड बी जेनेटिक और इट वुड बी सोशल एंड आपका इंडिविजुअल फैक्टर्स, ठीक है। इसमें फर्स्ट आपका जो है आवश्यकता पूर्ति, दैट इज वांट सेटिस्फेक्शन, ठीक है। आपकी मनोवृत्ति हमेशा उस वस्तु, उस व्यक्ति और उस चीज के बारे में ज्यादा पॉजिटिव होगी जिसकी आपको आवश्यकता है, जिसकी आपको जरूरत है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई स्थान हो, कोई भी चीज हो जिसकी आपको जरूरत होगी, आपकी मनोवृत्ति उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बनेगी। एमपीपीएससी के बारे में आपकी मनोवृत्ति पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको एमपीपीएससी का एम भी पता नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, ठीक है। उनको उसकी जरूरत नहीं है तो उनके पास में उसका महत्व भी नहीं है, आपको इसकी जरूरत है इसलिए आपकी मनोवृत्ति इसके बारे में बनी हुई है। इसी तरीके से जो कुछ लोग आपको पसंद आते हैं, जरूरी नहीं है कि उनके बारे में सभी लोगों की मान्यताएं और सोच एक सी हो, लेकिन अगर वो आपको पसंद है और आपको उनकी जरूरत है तो आपके लिए वो सही ही होंगे। इसी तरीके से कई लोगों के जिस प्रकार से आपको जरूरत होगी उस हिसाब से आप कई लोगों से नफरत भी कर लेते हैं, कई चीजों के बारे में आपके थॉट्स नेगेटिव भी हो जाते हैं। तो जिसकी जरूरत है उसके लिए पॉजिटिव होंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसके लिए नेगेटिव होंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है प्रदत्त सूचना, दैट मीन्स गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको आपके परिवार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, या जो भी आपके आसपास माहौल है उससे जो सूचना मिलती है उसके आधार पर आपकी मनोवृत्ति का निर्माण हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि जो आपका साउथ इंडिया में लोग हैं वो ज्यादा एजुकेशन को ध्यान देते हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया के बारे में ख्याल अलग होते हैं। ये एक्चुअली जिन लोगों ने वहां जाकर नहीं देखा उनको पता नहीं है, लेकिन पहले से हम उस बारे में एक मनोवृत्ति बना लेते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के बारे में जो हमारी मनोवृत्ति, एक्चुअली हमने वहां पर जाकर देखा नहीं है कि वहां के लोग कैसे हैं क्या है, पर जो हमारे पास सुनने में आता है उसके आधार पर हमने एक मनोवृत्ति उनके बारे में बना ली है। अगला होता है आपका सांस्कृतिक कारक, जिनको हम बोलेंगे कल्चरल फैक्टर्स। इन कल्चरल फैक्टर्स क्या होता है आपका, कि जिस प्रकार की संस्कृति में आप रहते हो वैसी आपकी मनोवृत्ति हो जाती है। जैसे आप हिंदू समाज में रहते हैं या आप हिंदुस्तान में रहते हैं, इसको हम ब्रॉड लेवल पे देखें, जो हिंदुस्तान की संस्कृति है वहां पे कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, और उनके आधार पर ही आपका सारा जीवन और आपकी मनोवृत्ति होती है। विदेशों में जाकर देखा जाए तो वो लिमिटेशन, वो मान्यताएं नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने आपकी स्टार्टिंग में नीति शास्त्र में एग्जांपल दिया था, अगर भारत में कहा जाए तो सिंगल पेरेंट्स या लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं दी जाती है, क्योंकि ये हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर भारत के बाहर आप विदेशों में जाओ तो वहां पर सिंगल पेरेंट और आपका जो लिव इन रिलेशनशिप है उसको मान्यता प्राप्त है, वहां पर लोग ऐसे रहते हैं, वहां पर कोई इश्यू नहीं है। तो स्थान स्थान के आधार पर आपकी मनोवृत्ति परिवर्तित होती है, लेकिन आपकी मनोवृत्ति में आपके देश, आपके प्रदेश, आपके राज्य, आपके जिले, आपके घर और आपके समाज का असर साफ साफ रिफ्लेक्ट होगा, दिखाई देगा। तो इस तरीके से सांस्कृतिक कारक द्वारा आपका होता है। तीसरा, वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, इंडिविजुअल फैक्टर्स होते हैं आपके, या इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपके होते हैं। कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई श्याम रंग का है, कोई गोरा है, ठीक है, अलग अलग लोगों के रंग होते हैं, उस हिसाब से उनकी अपने बारे में या दूसरों के बारे में भी मान्यताएं होती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, चाहे वो बच्चियां हो चाहे बच्चे हो, जिनकी हाइट अगर कम रह जाती है तो कहीं ना कहीं अपने आप को इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में रखते हैं, कि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो शायद किसी से कम है। ऐसे ही अगर कोई कभी विकलांग होता है, दिव्यांग होता है, उसको विकलांग यूज नहीं करो, तो कई बार उसके मन में ये ख्याल आता जाता है कि वो कहीं ना कहीं दुनिया से अलग है। ऐसी वैयक्तिक भिन्नताओं के कारण उनके अंदर ऐसी मनोवृत्ति बन जाती है। पर मैं ऐसा कहना चाहूंगा आपसे, आपके रंग रूप वेशभूषा, आपके शरीर और शारीरिक योग्यताओं और निर्योग्यताओं के आधार पर आपके टैलेंट का कुछ नहीं होता है। आप अगर ईरा सिंघल को याद करें, जिसने टॉप किया है आईएएस में, तो शायद 18वीं रैंक थी उनकी, और उसके अलावा लगातार 3 साल वो यूपीएससी का एग्जाम निकालती रही हैं, उनकी हाइट भी कम है और शारीरिक रूप से भी कमजोर है, फिर भी वो आईएएस निकाल पाए। तो आपकी शारीरिकता या आपकी लुक, आपकी हाइट, ये आपके गुणों को प्रदर्शित नहीं करती है। अगर आपकी मनोवृत्ति पॉजिटिव है, लड़ने की है, जुझारू है, तो आप
अपने आप आगे बढ़ोगे। ये तो होगी अपने बारे में। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि वैयक्तिक भिन्नता, जब कोई व्यक्ति अलग श्वेत रंग का श्याम रंग का होता है अलग होता है, तो कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है जो इस तरीके के लोगों को गलत मानते हैं। हालांकि ऐसी पूरे भारत देश में मान्यता है, अगर ऐसा ही है तो क्यों फिर फेयर एंड लवली में केवल गोरा करने के बारे में बताया जाता है, क्यों किसी व्यक्ति के रंग को लेकर उसको निग्लेक्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। ये कहीं ना कहीं उस वैयक्तिक भिन्नता के कारण ऐसा होता है। हालांकि यह सब गलत है, यह सब एक मनोवृत्तीय रूढ़िवादिता का असर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसा होता है, और वैयक्तिक भिन्नता मनोवृत्ति कैसे बनती है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद अगला जो आपका होता है, इसमें आपका समूह संबंधन आता है, जिसमें तीसरा आता है प्राथमिक, दूसरा आता है द्वितीय, को तीसरा होता है संदर्भ समूह। प्राथमिक में जो आपका आता है, यहां पर जो समूह होगा वो आपका परिवार होगा, या डायरेक्ट आपके रिलेटिव होंगे, या डायरेक्ट आपके दोस्त होंगे जिनसे सीधे तौर पर आप जुड़े हुए, या ऐसी घटनाएं जिनको डायरेक्टली आपने देखा है तो वो आपके जीवन के ऊपर प्रभाव डालेंगे, ठीक है। दूसरा आपका होता है द्वितीय, यानी अप्रत्यक्ष मूल्य होते हैं। अप्रत्यक्ष मूल्य में क्या होते हैं, आपने विवेकानंद जी को कभी देखा नहीं, आपने महात्मा गांधी से कभी मुलाकात नहीं की, लेकिन इनके जो थॉट्स हैं वो एक इनडायरेक्ट माध्यम से आपके पास में आ रहे हैं और उनका असर आपकी मनोवृत्ति में होता है। तीसरा संदर्भ समूह होता है, खासकर इसमें आपके इंस्टीट्यूशन आते हैं, आप जिस तरीके के विद्यालय में पढ़ेंगे, जिस तरीके के कॉलेज में पढ़ेंगे, उस तरीके से आपकी मनोवृत्ति हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, यदि एक बच्चा सरस्वती सुमंदिर में पढ़ता है और एक बच्चा मिशनरी स्कूल में पढ़ता है, तो उन दोनों की मनोवृत्ति में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। इसी तरीके से अगर कॉलेज में जाए, एक हम नॉर्मल तरीके से कहीं से हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक अलग बात होती है, लेकिन वहीं पर हम जाके अगर जेएनयू में जाके पढ़ते हैं जहां पर मार्क्सवाद और लेफ्टिस्ट असर ज्यादा है, वहां की मनोवृत्ति इस तरीके की है, तो वहां पर आप देखोगे, मैं बार बार एक ही लाइन को रिपीट करता हूं कि महिषासुर मर्दन दिवस, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे, ऐसी मनोवृत्ति भी बच्चों की बन जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आपका संदर्भ समूह है, समूह संबंधन है, ग्रुप एफिलिएशन है, उसमें जिस तरीके के आपके कॉलेज इंस्टीट्यूशन या जो एरिया आपका होगा उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया जन्मजात के बारे में बता दिया, और फिर मैंने आपको व्यक्तिगत के बारे में बता दिया। अब यहां पर एक चीज आती है, क्वेश्चन आता है कि आखिर मनोवृत्ति और व्यवहार में संबंध क्या होता है। मोस्टली यह माना जाता है जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसा आपका बिहेवियर होगा, जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसा आपका व्यवहार होगा। मोस्टली ऐसा होना चाहिए, बट कई ऐसी कंडीशन है जहां पर आपके व्यवहार और आपकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। ये कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी बाधाएं हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला आपका होता है मूल्य यानी वैल्यू सिस्टम। आपकी मनोवृत्ति बहुत ही ओपन है, आप भारत देश में रहते हैं, ठीक है, और फिर भी आप पढ़े लिखे हैं तो बहुत ही ओपन मेंटेलिटी के हैं, लेकिन यहां पर कुछ भारतीय मूल्य हैं जिनके आधार पर आप अपनी मनोवृत्ति को पूर्णतः अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारे मूल्यों में कहा गया है कि हम माता पिता के पैर छुएं, अपने गुरुजनों के पैर छुएं, अपने से बड़ों के पैर छुएं, बट अगर ओपन मानसिकता की बात करें, फॉरेन की बात करें, वहां पैर छूने वाले कोई मूल्य नहीं होते हैं। अगर आप उस मेंटेलिटी के हो भी गए हो, लेकिन अगर आप यहां पर हैं और आपकी मनोवृत्ति आपका एटीट्यूड वैसा हो भी गया है, फिर भी अगर आपके माता पिता आपके पूर्वज कोई आपके सामने होंगे तो आप उनका पैर छूओगे, भले ही आपकी मनोवृत्ति में है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आपके बेस के और भी एग्जाम्पल है, लेकिन जरूरी नहीं वो मैं आपको दूं, ठीक है। जैसे विदेशों में कई चीजें आप ओपनली कर सकते हो, भारत में आप वो नहीं कर सकते हो, भले आप भारत में रहकर करना चाहते हो, लेकिन जो आपके मूल्य है, जो आपकी संस्कृति है, वो जो समाज है, उसकी वजह से आप वैसा नहीं कर पाते हो, तो एक बाधा आती है आपकी मनोवृत्ति और व्यवहार में उन चीजों के रिफ्लेक्शन होने में, ठीक है। दूसरा आपका होता है सामाजिक दबाव। बिल्कुल सही है, आप बहुत ही ओपन मेंटेलिटी के हैं, आप प्रेम विवाह में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामाजिक दबाव आपके ऊपर होगा, आप ऐसा नहीं करोगे। आप प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपके पास में कई बार ऐसी परिस्थिति हो सकती है कि हो सकता है, ऐसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, कि एक जगह आपको कहीं ऑर्डर आए, छोटा सा गांव है जहां पर एक मंदिर में बहुत ज्यादा मान्यताएं हैं। मेरे सामने एक खजुराहो एयरपोर्ट का एक एग्जाम्पल है, खजुराहो में एक बकराचंद माता देवी जी का मंदिर है, वो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, हम सभी की आस्थाएं उसके साथ में जुड़ी हुई है। तो वो एयरपोर्ट के एरिया के अंदर आता था और अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वहां ऑर्डर दिया था, उस मंदिर को डिमोलिश करने का ऑर्डर दिया था। वहां पर जो अधिकारी था, डिमोलिश करने ही वाले थे, लेकिन कुछ वहां पर ऐसे इंसिडेंट हुए या सामाजिक दबाव जो पड़ा, अधिकारी के तौर पर आपकी मनोवृत्ति थी कि आपको अपना काम करना है, आप सत्यनिष्ठ हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, लेकिन वहां पर सामाजिक जब लोगों की आस्था वहां पर आई और उस आस्था का जब दबाव आपके ऊपर पड़ा, तो उसका नतीजा यह हुआ कि एयरपोर्ट को इस तरफ मंदिर साइड में बढ़ाने की कंपेरिजन में
आगे जाके 5 किलोमीटर तक बढ़ाया गया, लेकिन उस एक आस्था उस एक मान्यता को बढ़ाने के लिए उस मंदिर को वहीं रखा गया। देवी माता के जो मंदिर था उसमें जो लोगों की आस्था थी, जो भगवान के प्रति उनका व्यवहार था, जो उनका भरोसा था, उसकी आपको सम्मान करना पड़ेगा। तो बहुत बार प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपके साथ में ऐसा होगा कि आपका एटीट्यूड कुछ और होगा, लेकिन आपको व्यवहार कुछ और करना पड़ेगा सामाजिक दबाव में आकर। ठीक है, इसके बाद में आपकी महत्वाकांक्षाएं एस्पिरेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, आपकी मनोवृत्ति कुछ भी है, आप भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, आप बहुत ही ईमानदार मनोवृत्ति के हैं, लेकिन जैसे जैसे आप अपने बगल में देखोगे कि आपके साथ वाला व्यक्ति कार से घूमने लगा, उसके बच्चे के पास में आईफोन है, एक बड़े कॉलेज में पढ़ता है, लेविश लाइफ जीता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, उन महत्वाकांक्षाओं का एमपीपीएससी भी आपकी एक महत्वाकांक्षा है। आखिर आप ही क्यों एमपीपीएससी के पीछे भाग रहे हो और क्यों क्यों नहीं भाग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी महत्वाकांक्षा है और उसके आधार पर फिर आपकी मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आ जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि मूल्य, सामाजिक दबाव, व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षा के आधार पर आपकी मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है। मैंने कुछ आपको एग्जांपल भी दिए, किताबों में भी आपको मिल जाएंगे, आप प्रशासनिक तौर पर भी इसे एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए, मेरा सीधा उद्देश्य आपको किताबी बातें पढ़ाना नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप सब में इतनी काबिलियत है कि आप किताबी भाषा या जो भी जरूरत है वो लिख सकते हैं, बट मस्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। भले आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, मीडियम से फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आप दोनों लैंग्वेज में बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। अगला जो पॉइंट यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, उसमें लिखा है मनोवृत्ति से हानियां क्या होती हैं। आपकी जो मनोवृत्ति होती है, सबसे पहले वो रूढ़िवादिता को बढ़ाती है। ठीक है, जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बढ़ावा आपको मिलता है, क्योंकि मनोवृत्ति का निर्माण कहां से हो रहा है, मनोवृत्ति के निर्माण में आपके सोशल फैक्टर्स भी हैं, आपका समाज भी है, हर किसी है। तो अगर समाज में रूढ़िवादिता होगी तो कहीं ना कहीं वो मनोवृत्ति जो आपकी बनी हुई है उसके आधार पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूढ़िवादिता आपके अंदर रहेगी। चाहे बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन में देखा है, जैसे इंडियन आर्मी में कई बार महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती थी, हालांकि मनोवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि एक माना जाता है पुरुष समाज में कि महिलाएं कमजोर होती हैं, एक ऐसी मनोवृत्ति बनी हुई रूढ़िवादिता है, लेकिन यह वास्तविकता से टोटल अलग है। अगर हम इंद्र नोई, कल्पना चावला, किरण बेदी, अवनी द्विवेदी जो आपकी अवनी द्विवेदी जो आपकी पायलट बनी है, ऐसी कई महिलाओं को हम देखें जो महिलाएं कदम पुरुषों के साथ में कदम मिला के ही नहीं बल्कि उनसे बहुत आगे जा रही हैं। संपदा सराफ या फिर पिछले साल की टॉपर आकांक्षा ही शायद उनका नाम है, वो अंकिता, ये सब लोग वो एग्जाम्पल है। जरूरी नहीं है कि हम इनको कमजोर या छोटा समझें, बट ऐसा नहीं, आर्मी में भी आज लोग हैं, हर जगह पर महिलाएं हैं, लेकिन अगर मनोवृत्ति वैसी होती है जैसे पिंक मूवी में हुआ था कि वो पढ़ा लिखा बंदा था लेकिन उसकी मनोवृत्ति थी कि लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहनती हैं और ड्रिंक करती हैं तो कहीं ना कहीं वो उपयोगिता का सामान बन जाती हैं, वो एक रूढ़िवादिता है। तो इस मनोवृत्ति की वजह से वो रूढ़िवादिता का प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है। इसके अलावा जातिगत, धर्मगत और रंग, कई तरीके से ऐसा होता है कि रूढ़िवादिता बच जाती है इस मनोवृत्ति की वजह से, ये आपका हानि होती है। वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ दृष्टिकोण का अभाव होता है। वस्तुनिष्ठ एवं तटस्थ दृष्टिकोण से मेरा मतलब है जब आप प्रशासनिक अधिकारी होते हो तो आपको एकदम तटस्थ रहना पड़ता है, वस्तुनिष्ठ रहना पड़ता है, नियमावली के अंतर्गत ही आपको सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन जब आप रूढ़िवादिता से या मनोवृत्ति से ग्रसित होते हो तो यहां पर कई बार ऐसा होता है कहीं आपकी जान पहचान कोई व्यक्ति आता है तो आप उसके साथ में नियमों में ढील डाल देते हो, या आपकी धर्म से जुड़े कोई लोग है तो आप उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर देते हो, यानी आपकी जो वस्तुनिष्ठता है और जो आपकी तटस्थता है उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव हो जाता है। ऐसे यदि आप राजनीतिक इन्फ्लुएंस होकर आप बीजेपी के साइड वाले हो या कांग्रेस साइड वाले हो तो जिसकी सरकार होगी आप उसके पक्ष में काम करने लग जाते हो, अगर आपकी मनोवृत्ति को आपने तटस्थ नहीं रखा है और मनोवृत्ति की वजह से वस्तुनिष्ठता और तटस्थता में परेशानियां आती हैं। इसके बाद अगला होता है लचीलापन ना होना। जब मनोवृत्ति किसी की एक होती है तो वो थोड़ा सा अड़ियल हो जाता है, कि अगर कोई धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो कितना भी अधिकारी बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उसके अंदर वो एक कट्टरता है, वो अधिकार वो उसके अंदर बनी रहती है और जो उसको अड़ियलपन होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वो किसी दूसरे समाज या दूसरे धर्म के लोगों के बीच में उसकी पोस्टिंग होती है तो वो अपने आप में बदलाव नहीं ला पाता, उस समाज के साथ में जुड़ नहीं पाता है, ढल नहीं पाता है, और जिसके कारण कहीं ना कहीं वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता है। यानी अगर आपकी मनोवृत्ति नॉर्मल है, आसान है, आपके अंदर ईक्यू है तो आप हर समाज में जाकर रह सकते हो, लेकिन अगर मनोवृत्ति का प्रभाव अगर आपका ज्यादा है और अगर इन सामाजिक और सोशल फैक्टर का असर आपके ऊपर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं आप उस समाज में अपने आप को समन्वित नहीं कर पाओगे। अगला पॉइंट जो यहां पर दिया गया, समाज के वंचित वर्ग का शोषण होता है। बिल्कुल, आज भी एक मनोवृत्ति मानी जाती है, जो भी हमारे दलित भाई बहने या दलित परिवार हैं, जो शोषित वर्ग हैं,
आज भी उनके बारे में छोटे छोटे गांव में उनका शोषण किया जाता है, क्योंकि पहले से एक मनोवृत्ति चली आ रही है कि अगर आप सवर्ण परिवार में आप पैदा हुए हो तो ये सब तो आपकी सेवा के लिए ही बने हैं, या ये सब आपके छोटे हैं, ये सब आके आपके पैर छूएंगे। तो कहीं ना कहीं जो वो मानसिकता है, उस मानसिकता की वजह से आज भी दलित कुचले समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। हालांकि इसमें सरकार काम कर रही है, हम लोग भी जागरूक हो रहे हैं, अब हम लोग इस तरीके से, युवा जो हमारी पीढ़ी है, इस तरीके की मान्यता को नहीं मानती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी ये बाकी है, उसके बदलाव में अभी भी वक्त लगेगा। इस तरीके से आपने देखा होगा कि जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं अभी, ये सब आपके सामाजिक जीवन से रिलेटेड चीजें हैं, उसी समाज से आप सीखते हो, उसी के आधार पर आपकी मनोवृत्ति बनती है। और अगर आपके क्वेश्चन आते हैं कि मनोवृत्ति का विकास कैसे होता है, तो जन्मजात व्यक्तिगत क्या कारक है, पूरा 6 नंबर क्वेश्चन इसमें लिख सकते हो, 3 नंबर भी लिख सकते हो। अगर आता है मनोवृत्ति और व्यवहार में क्या संबंध है, तो यहां पर आप लिख सकते हो। अगर मनोवृत्ति की हानियां पूछी जाती है तो वो आप लिख सकते हो। और इसके बाद में अगर टोटल एक मनोवृत्ति के बारे में चीज आती है, तो ये सारे पॉइंट आप डाल के उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हो, इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्रशासन में भी अगर पूछ लिया जाता है तो वहां भी आप इन पॉइंट्स के आधार पर कहीं ना कहीं उसका उपयोग कर सकते हो। देखिए मनोवृत्ति के बारे में रामायण की एक चौपाई है, जिसके बारे में सीधी सीधी अगर मनोवृत्ति आपको समझना है, तो एक चौपाई से मनोवृत्ति आपको समझ में आती है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी वैसी। जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी मनोवृत्ति, सामने वाला उसको दिखाई देगा। किसी के लिए राम भगवान है और किसी के लिए काल्पनिक चरित्र है। तो ये देखने वाली बात, देखने वाले की आंखों में कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द व्यूअर्स। ठीक है, जो देखने वाला है उसकी आंखों में सुंदरता होती है, वैसे जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसा आपको समाज दिखेगा। इसलिए मैंने लास्ट में लिखा बी द चेंज व्हाट यू विश टू चेंज। आप खुद अपने अंदर वो परिवर्तन, अपनी मनोवृत्ति में अगर आप चाहते हैं इस देश को बढ़ाना, अगर आप चाहते हैं यहां पर सामाजिक समरसता हो, लोग आपस में एक साथ मिलकर रहें, तो उसके लिए आपको खुद अपने अंदर अपनी मनोवृत्ति में परिवर्तित करनी पड़ेगी। अगर आप दूसरे के बच्चे में कोई बर्ताव दिखना चाहते हो, तो पहले आपको अपने बच्चे में वो बर्ताव देखना पड़ेगा। अगर आप किसी और को कोई सलाह दे रहे हो, तो पहले आपको वो सलाह खुद को देनी पड़ेगी, तब जाके आप सही तरीके से फॉलो कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं डू नॉट प्रीच अंटिल यू डोंट फॉलो। ठीक है, आप तब तक भाषण ना दें जब तक आप उसको खुद फॉलो नहीं करते हैं। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद में आज 4 वीडियो आएंगे, 2 वीडियो कल के मेरे पेंडिंग है और 2 वीडियो आज के। तो 4 वीडियो में आज हम मनोवृत्ति की पूरी यूनिट खत्म कर देंगे, मैं शाम को आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो लोग प्री लिख रहे हैं वो भी इनको देखें और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जाके कल मेंस लिखना है। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये सारे बड़े बड़े जो सब्जेक्ट जिनके ऊपर मोस्टली कोचिंग्स में बहुत लेट ध्यान दिया जाता है या मोस्टली आपको बहुत लेट बताया जाता है, वो सारे मैं आपके कवर करवा सकूं। इसी उम्मीद के साथ मैं थैंक यू सो मच। और अब हम बहुत जल्दी एक दूसरे सब्जेक्ट आपके लिए लेने के लेकर आने वाले हैं। जैसे ही वो पहला चैप्टर आएगा आपको पता चल जाएगा कौन सा वो सब्जेक्ट है। मेरे पास समय अभाव के कारण मैं फॉरेस्ट के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, बट हाँ कोशिश करूंगा बहुत जल्दी उसके बारे में कुछ ना कुछ हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन आपको दूं। और मंडे से 2 वीडियोस आपके प्री के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये कंफर्म है। तो जो प्री वाले हैं वो भी निश्चिंत रहें, मैं इसको बढ़ाऊंगा, मेरा जो टाइम है उसको मैनेज करूंगा और आप लोगों के साथ रहूंगा। 6 महीने में हम पूरी एमपीपीएससी का सिलेबस ऑनलाइन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। प्लीज कीप शेयरिंग, सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाएं, दूसरों तक शेयर करें। इस मुहिम तक आपके माध्यम से मैं जा सकता हूं, एक सब्सक्राइब करने से या एक शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति तक ये चीज पहुंच गई जो नहीं पढ़ सकता, उसके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। प्लीज इतना संकोच ना करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।